प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 के इनामी दो बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक दरोगा और एक सिपाही भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों और पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के थाना गजरोला के गंगा किनारे जंगलों का है, जहां शातिर बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया तो शातिर बदमाश जंगल की ओर भागने लगे। जब पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने को कहा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंकने शुरू कर दिए। दोनों ओर से हुई फायरिंग में दोनों 25,000 के इनामी बदमाश सहित दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही अमरोहा SP सुनीति भी मौके पर पहुंची। ये जो मैडम मुठभेड़ हुई है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, आज जनपद में कुछ संदिग्ध वाहन की चेकिंग हो रही थी और उसी क्रम में एक सूचना थी कि पूर्व में जो हमारे यहाँ गजरौला क्षेत्र में और गजरौला के साथ साथ हसनपुर और सैदनगरी में भी लूट की वारदात हुई थी, एक साथ तीन लूट की वारदात हुई थी, उस क्रम के भी कुछ अपराधियों को यहाँ पर देखा गया है। तो जनपद में पूरा अलर्ट था। तो ये बाइक पे दो लड़के थे जो 88 के आसपास एक बार पुलिस को देख कर बड़ी संदिग्ध अवस्था में वहाँ से भागे। उसी समय देखा गया, नोटिस किया गया, इनके पास असला भी है और पूरे जनपद में तत्काल सबको अलर्ट पे करके एक टीम इनके पीछे ही लग गई थी। यहाँ गजरौला के आसपास उनको घेरा गया और उस घेराबंदी के तहत एक मुठभेड़ हुई यहाँ काकाठेर और तिगड़ी के बीच में, जिसमें दो अपराधी गिरफ्त में आए हैं। मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी है, एक का नाम दिलशाद बताया जा रहा है, दूसरे का रजा मोहम्मद। मूल रूप से दोनों हापुड़ के रहने वाले हैं, बाकी बैकग्राउंड हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। उसी मुठभेड़ में दो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और तत्काल सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। क्या इन पर कोई इनाम भी है? हाँ, जो दो अभियुक्त हैं ये 25,000 रुपए का इनाम है दोनों। अच्छा मैम, अमरोहा जनपद में कितने अपराधी कोई पिछले मुकदमे लिखे हैं? देखिए, अभी हम लोग डिटेल निकलवा रहे हैं, जो हमको पता चल रहा है इसमें से एक रजा मोहम्मद है, जिसपे करीब 25-30 मुकदमे बताए जा रहे हैं, अभी हम लोग तस्दीक करा रहे हैं। मैं क्लियर कर ठीक। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक